My dear students, on the basis of given video, I am going to solve some example related electric potential. In given example, first we have given how much work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points, a potential difference 12 volt. ध्यान दीजिएगा, इस एग्जांपल में हम लोग को दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप कंप्लीटली कंफर्म है, अगर कोई चार्ज बॉडी है या किसी पॉइंट पर कोई चार्ज है, उसके सराउंडिंग वह रीजन जहां तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो सपोज दैट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। है कि पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू को यदि वी ए से रिप्रेजेंट किया जाए और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको वी बी से, हम लोग को वी ए माइनस वी बी, इट मीन्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसका सिंबल वी ए माइनस ए बी या वी ए बी या सिंपली वी, वी का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो कहने का मतलब है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है और इस दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। और थ्योरी कहता है कि एक चार्ज है, इस चार्ज का सिंबल को स्मॉल क्यू मान लिया जाए, इस चार्ज का वैल्यू है 2 कूलम। तो अगर इस 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी किया जाए या मूव किया जाए, तो वैसी स्थिति में इस मोमेंट में डन इलेक्ट्रिक वर्क का वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिए, कोई चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज का अमाउंट है 2 कूलम, तो यदि 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाए तो वैसी स्थिति में हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क होगा, कितना इलेक्ट्रिक वर्क होगा। फिर से थोड़ा ध्यान रखना, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। कहने का अर्थ है कि एग्जांपल में बता रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, अगर 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी किया जाए, लूप किया जाए, लाया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो वैसे स्थिति में डन इलेक्ट्रिक वर्क का वैल्यू क्या है? अब है कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक चीज देखे थे, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होगा डब्ल्यू बाई क्यू से मिलेगा। तो यदि क्यू कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में डन वर्क का वैल्यू अगर डब्ल्यू मान लिया जाए, ध्यान दीजिए, अगर क्यू कूलम चार्ज को, अगर इतना चार्ज को, क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने में डन वर्क यदि डब्ल्यू है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो क्यू डी होगा, वी का जो वैल्यू होगा डब्ल्यू बाई क्यू से मिल जाएगा। तो वैसे स्थिति में डब्ल्यू का जो वैल्यू होगा वी क्यू होगा, और वी का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम, इस तरह से 12 × 2 वोल्ट कूलम यानी जूल, यानी 2 कूलम चार्ज को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाए तो वैसे स्थिति में डन वर्क का जो वैल्यू होगा 12 जूल होगा, जहाँ इस दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। अब थोड़ा सा एक दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल 2 में कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इफ 2 जूल ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। थोड़ी पर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखिए, एग्जाम्पल में क्या गिवन है, स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब है
कि इस पॉइंट पर कहने का है कि 0.2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाया गया है ब्रिंग अतः फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इफ 2 जूल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 0.2 कूलम। तो कहने का मतलब है कि यदि 0.2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में डन वर्क का वैल्यू यदि 2 जूल हो, ध्यान दीजिएगा एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 0.2 कूलम, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया पॉइंट ए तक, पॉइंट ए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, यदि इतना चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में डन वर्क का वैल्यू यदि 2 जूल हो, तो वैसी स्थिति में इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है VA, अगर बी पॉइंट होता तो VB, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या वैल्यू है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप कंप्लीटली कर पाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर एक चार्ज जिसका वैल्यू है 0.2 कूलम, उस 0.2 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाया गया पॉइंट ए तक और लाने में डन वर्क का जो वैल्यू है 2 जूल, तो वैसी स्थिति में इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है WIQ, तो यदि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में डन वर्क का वैल्यू यदि W हो, ध्यान रखिएगा यह एक टेस्ट चार्ज है, तो यदि क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में डन वर्क का वैल्यू W हो, तो वैसी स्थिति में इन दिस केस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट VA विल बी इक्वल टू WIQ, हियर वैल्यू ऑफ W इज गिवन, जितना वर्क किया गया इस 0.2 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में 2 जूल और जितना चार्ज को कैरी किया गया इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक उसका वैल्यू है 0.2 कूलम, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा 2 / 0.2 यानी इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 यानी 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वह 10 वोल्ट। ये दोनों जो एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात। दैट्स ऑल।